हमने स्ट्रेट टॉप कटिंग के लिए 1.5 मीटर पीस लिया है, आप अपने हिसाब से रखेंगे, आपकी जितनी हाइट हो आप उस हिसाब से लेंथ रखेंगे और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे और चौड़ाई आप रखेंगे हिप के नाप से 1 इंच एक्स्ट्रा। हमने जो मेजरमेंट्स लिए हैं हम उसके हिसाब से पीस कट करके रख लेंगे अपना। हमने दोनों पीसेस को अलग अलग फोल्ड करके रख लिया, लेंथ के हिसाब से फोल्ड किया है हमने। अब हमने दोनों पीसेस एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। आप तीरे की मेजरमेंट्स लगा लेंगे अपने नाप के हिसाब से, अगर 14 इंच है तो आप 7 इंच का निशान लगाएंगे और फिर शोल्डर भी आप 7 इंच ही लेंगे तीरे के हिसाब से, उसकी आप इस तरह से मेजरमेंट्स ले लेंगे। अब आप चेस्ट के नाप के हिसाब से उसका 1/4 का निशान लगाएंगे, कमर का निशान आप लगाएंगे ऊपर तीरे से 14 इंच पे अपने नाप के हिसाब से और हिप का निशान 21 पर, और चौड़ाई में आप निशान लगाएंगे कमर का 1/4 हिस्सा और हिप का भी 1/4 हिस्सा। जो ये कमर का और हिप का हमने डॉट्स लगाए इसे हम आपस में मिला लेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं तिरछे में। हम इसका गला बोट नेक बना रहे हैं तो हमने उस हिसाब से 4.5 इंच लिया है, और बोट नेक जैसे डीप नहीं होता है तो हमने उसकी डेप्थ ली है 3.5 इंच। हमने शोल्डर यहाँ पे 7 इंच लिया है तो हम 3.5 इंच से गुलाई लगाएंगे हम नीचे तक गुलाई में कटिंग करने के लिए। हमने गुलाई दे दिया शोल्डर से ये बैक वाले पीस की और ये फ्रंट वाले पीस की, और हमने गला फ्रंट में जितना लिया हो उससे हम पिछले वाला गला थोड़ा सा कम रखेंगे। हमने इस तरह से ऊपर वाला पीस अलग कट किया है और ये नीचे वाले पीस की अलग कटिंग। हमने पिछले शोल्डर की कटिंग एक साथ किया है, अब अगले वाले शोल्डर का जो ये ज्यादा अंदर की तरफ था उसका हम अलग से कट कर रहे हैं पीस। हम घेरे के लिए हम गोलाई काट लिया, अगर आपको गोलाई वाला घेरा चाहिए। हमने पीस की कटिंग कर ली है, अब हम आगे बाजुओं की कटिंग करेंगे। हमने अब बाजू की कटिंग करनी है, आपको बाजू की लेंथ उतनी अपने हिसाब से रखनी है जितनी आपको चाहिए होगी। हमने यहाँ पे बेल स्लीव्स बनानी है तो हमने जो झालर वाली लेंथ हटा के हमने उतनी लेंथ का पीस काट लिया है, और चौड़ाई में हमने उतना रखा है जितनी आपने शोल्डर लेंथ रखी है उसे 2 इंच आप एक्स्ट्रा फालतू रखेंगे। यहाँ पे आप गुलाई के लिए निशान लगा लेंगे, हमने 3 इंच रखा है, इस तरह से हम इसे निशान लगाएंगे यहाँ पे कटिंग के लिए। हमने इस तरह से यहाँ निशान लगा लिया, अब हम यहाँ इस पीस को इस तरह से कट करेंगे जो अटैच करने के लिए टॉप के साथ, और यहाँ पे जितनी आपकी बाजू की मोरी है उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे आप, और ये इस तरह से आप इसे कटिंग कर लेंगे पीस की। यहाँ पे आप बाजू के साथ लगाने के लिए झालर का पीस कट करके रख लेंगे हमने जो बेल स्लीव्स बनानी है उसके लिए। और अब इस तरह से एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे हम और ये गले के नीचे रखेंगे, और यहाँ पे हम कच्चे टांके से सिलाई लगाएंगे। ऐसे आप दोनों पीस के गलों पे इस तरह से आप सुई से कच्चा टांका लगा लेंगे। कच्चा टांका लगाने के बाद हमने सिर्फ तरपाई के लिए कपड़ा रखा है, बाकी सारा हमने काट दिया है यहाँ दोनों पीस में। अब हम मशीन से सिलाई मारेंगे और फिर तरपाई करेंगे इसकी। हमने जिस कपड़े को सिलाई लगाई है हमने उसको इस तरह से नीचे रखना है, यहाँ पे फिर हम डबल सिलाई लगाएंगे। अगले गले पे इस तरह तरपाई कर ली है पिछली तरफ को, और अब हम ये दोनों तीरे जोड़ रहे हैं इस तरह से। अब हम फिटिंग वाली साइड वाली सिलाई लगाएंगे। पिछले गले की तरपाई के लिए हम इस तरह से ये कपड़ा रखेंगे। और इसे ऐसे फोल्ड करेंगे जितना हमारा ये आगे वाले कपड़े के इक्वल आ जाए। अब हम बाजू में झालर लगाएंगे, इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा पीस लिया है झालर के लिए वो रखेंगे, और अब हम इसे प्लेट्स डालेंगे।
हमने इस तरह से हमने सारी झालर लगा ली है इस तरह से। अब हम इसमें फ्रंट में सिलाई लगाएंगे पक्का करने के लिए। इसे ऐसे हम कपड़ा इस तरह से हम रखेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट में भी सिलाई लगा ली है ताकि हमारी ये फिर झालर बिल्कुल एकदम फ्रंट में रहेगी। इससे यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 इंच का निशान लगा लिया है जितनी हमें मोरी रखनी है आगे बाजू की, और वहाँ पे ऊपर हम अपने शोल्डर के हिसाब से जितना हमने शोल्डर रखा है उतना निशान लगा लेंगे और इस तरह से इन्हें आपस में जोड़ लेंगे जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। अब इस तरह से हमने बाजू स्टिच कर लिया है बिल्कुल साइड से, और हम इसे टॉप के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। हमने बाजू सीधी रखनी है और टॉप को हमने उल्टा रखना है। हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है इनको जहाँ पे हमारे टॉप की और बाजू की सिलाई आ रही है, यहाँ पे इनको जोड़ना है और हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इन पे। हम टॉप की और बाजू की जो सिलाई आ रही थी हम उसे फोल्ड करेंगे एक्स्ट्रा जो कपड़ा था ऊपर, और अब हम इसे ऐसे सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर सिंपल। अब हम घेरे में सिलाई लगाएंगे इस तरह से इसे फोल्ड करके। ये हमने घेरे पे सिलाई लगा ली है। अगर आपसे गोल घेरे पे सिलाई नहीं बच सकती है तो आप इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं अपने घेरे को। ये हमारा टॉप बिल्कुल बनके रेडी है। अगर आप प्लेन कपड़े पे बनाते हो और आपको पीस खाली खाली लगता है तो आप इसमें फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं या फिर पैच वर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।